बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर टू के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बट कुछ स्टूडेंट्स को उसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में प्रॉब्लम है, तो आज मैं वो सॉल्व करता हूँ। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज़ हो गए तो आप उसके बारे में अपडेट हो सकें। और मैंने कुछ फिजिक्स के वीडियो भी बनाए हैं और मैथ्स के भी मैंने बनाए हैं, एक्सरसाइज 1.2 तक आई थिंक। हाँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल में। अब क्वेश्चन नंबर फाइव भी उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर में है, तो मेथड सेम है। उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो आपको मैंने कल भी बताए थे कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फाइव, दैट इज 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि x² प्लस माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी आगे हमने जब सॉल्व करना हो, तो पहले सबसे आप पहले जो आपने देखना है वो है क्वेश्चन को, कि ये क्वाड्रेटिक के जो जनरल फॉर्म है उसमें है या नहीं है। तो वो ऑलरेडी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म है ये है x² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस मैं इसलिए लिखता हूँ आपके कन्फ्यूज़ ना हो सकें, कि सम टाइम यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और यहाँ पे जैसे प्लस है तो कोई भी साइन हो सकता है। अच्छा, सेकंड स्टेप में ये है फिर के डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² f अदर देन 1। अगर 1 के अलावा हो, यानी x² का कोएफिशिएंट जैसे हमारे पास क्या है 9, तो फिर आपने दोनों साइड इस नंबर पर डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर 1 के अलावा है, यानी 9 है, तो हमने दोनों साइड इस नंबर पर डिवाइड करने हैं। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर 9 पे डिवाइड करें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, मैं बोथ साइड्स के लिए जस्ट bs लिखता हूँ शॉर्ट, और आप कंप्लीट बोथ साइड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9x², इसको 9x² पे डिवाइड, सॉरी जस्ट 9 पे डिवाइड करना है, माइनस 6x, इसको भी 9 पे डिवाइड करना है, प्लस 5/9 इसको भी डिवाइड करना है। अब ऑलरेडी डिवीजन फॉर्म है, तो इस टाइप की इक्वेशन को अगर आपने, मतलब इस टाइप के टर्म को अगर आपने डिवाइड करना हो, तो सिंपल क्या करें, 1/9। लेकिन 1/9 का मतलब कि आपने 9 पे डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 0/9। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी 3 से कटिंग हो सकती हैं, 3 2 6, 3 3 9, और यहाँ पे नहीं हो सकते। तो फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट x² रह गया, माइनस 2/3x प्लस 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/9। तो इससे आपके पास क्या आएगा, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 से हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 1 5, इसको इधर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, और इस तरह ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई करें, तो 9 9 आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 0/9। यानी 0 को अगर आप किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो उसे क्या आता है, 0 ही आता है। ये था सेकंड स्टेप। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप हैं, कि ये हैं कि कांस्टेंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी कांस्टेंट टर्म को हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो आप ये करें कि जो पॉइंट्स हैं ये आपने पास लिख लें एक पेज पे, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर एक स्टेप को देखा करें, इससे आपको ये पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे और आप क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कि ये इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2/3x
इज इक्वल टू 5/81 अगर इस साइड पे आ जाएगा तो -5/81 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वो ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है, x कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x ये है, इसका हाफ लेना है। अब 2/3 का हाफ, आप कंफ्यूज हो गए क्या हाफ होना होगा, तो मैंने बताया था इस टाइप का अगर आपके पास अदर देन इवन नंबर हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो या ऑड नंबर हो, सिंपल क्या करें उसको 2 पे डिवाइड करें। 2/3 है, 2 पे डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप क्या करें, ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करें सिंपल, अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते तो देख लिया यहाँ पे कटिंग भी हो सकती है, 2 और 2 कैंसिल, 1/3 रह गया, यानी 2/3 का हाफ है 1/3, 2/3 हाफ क्या है 1/3, तो फिर ये इसको जो हाफ होगा यानी 1/3 इसके स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वो एक्स स्क्वायर -2/3x +1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81, और दोनों साइड पे ऐड करना है तो इस साइड पे भी 1/3 स्क्वायर कर लेंगे। ये रफ वर्क, फर्दर इसको यहाँ पे इस साइड पे हम क्या करेंगे, इस साइड पे हम बनाएंगे एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर हैं उसको एज एट एज लिख लें, एक्स हैं तो एक्स लिख लें, यहाँ पे जो भी साइन है ये साइन लिख लें, माइनस है माइनस लिख लें, और इस नंबर को नहीं लिखना है, और यहाँ पे जो भी नंबर हैं ये लिख लें, 1/3 है तो ये ही लिख लें, और होल स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बन गया। इसको अगर आप ओपन करें तो आपके पास यही वापस जो ओरिजिनल टर्म है यही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5/81 प्लस 1 स्क्वायर से 1 आता है और 3 स्क्वायर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स -1/3 होल स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे और इसको तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, 9 और 81 का अगर आप एलसीएम ले लें तो 81 ही आता है। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक और छोटे क्लासों में जब आप 4-5 में थे तो आसान तरीका ये करते थे कि छोटे बच्चों वाला काम है, 1 और 9 है तो यहाँ पे 81 है, इस 9 से भी आपने 81 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर एक काम है जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करोगे, यानी 9 ऊपर भी लिखोगे और नीचे ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लिख लो। ये सिंपल मेथड है, तो ये हो जाएगा एक्स -1/3 होल स्क्वायर। अगर कोई डायरेक्ट एलसीएम ले सकता है तो 9 और 81 का 81 ही एलसीएम है, वो भी सही है, और अगर नहीं ले सकते तो फिर ऐसे करें कि दोनों डिनोमिनेटर सेम बनाएं पहले, तो ये और 9 1 9 आ जाएगा और 9 9 81, अब एलसीएम आप ले लें ईजी हो जाएगा आपके लिए, यानी दोनों 81 हो गया। तो एक्स -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एलसीएम हो गया। जब एलसीएम में यानी दोनों डिनोमिनेटर टर्म सेम हो तो ऊपर के जो भी नंबर है वो एज इट इज जैसे हैं वैसे लिखो, लगे यानी -5 प्लस और जो उसके साथ साइन है वो भी वही लिखें, 9। तो नेक्स्ट अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे 9 -5 यानी -5 प्लस 9 से क्या आते हैं, 4 आते हैं और 81 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है कि क्या करना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर हाफ तो कोएफिशिएंट ये तो हमने लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमने किया। उसके बाद जो लास्ट वन है कि टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो एक्स -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81, तो क्या कर लें कि स्क्वायर रूट लें इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट एक्स -1/3 रह जाएगा इज इक्वल टू √4, यानी स्क्वायर रूट 4 किस चीज़ के इक्वल हैं, 2 के इक्वल हैं, और 81 किस चीज़ के इक्वल है, 9 के इक्वल है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 स्क्वायर, वो स्क्वायर पर √ कैंसिल हो सकते हैं तो 2 ही आएगा, और इस तरह 81 का भी है 9 × 9 यानी 9 स्क्वायर,
पर अंडर रूट से वो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 9 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे काम करोगे कि प्लस माइनस लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जिस चीज़ की जिस टर्म या कोई भी वैल्यू आपको जो चाहिए, तो उसके अलावा टर्म को जितने भी नंबर है जो भी है, आपने क्या करना है कि उसको अपने राइट साइड पे लेके आना है, यानी उसको एक साइड पे होना चाहिए इक्वल के और बाकी दूसरे टर्म पे। तो हमें एक्स हमने फाइंड करना है, एक साइड पे होना चाहिए और बाकी नंबर दूसरे साइड पे, यानी जो -1/3 है ये दूसरे साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। और +-2/9, प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आपने इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1/3 + 2/9 और एक्स इज इक्वल टू 1/3 - 2/9। अगेन आपने एलसीएम लेना होगा, वही अगर आप मेथड करते हैं या जो डायरेक्ट करते हैं 9 और 3 का 9 LCM हो जाएगा, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू कर लें कि 1/3 आए और यहाँ पे 9 है नीचे, तो इधर भी 9 बनाने के लिए आप क्या करोगे कि 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, यानी ये भी मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई करना, और बाकी ये वाला टर्म वैसे लिख लें +2/9। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही तरीका है, 1/3 है, तो इसे 9 के लिए क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप कैंसिल करें तो नेट इफेक्ट 0 ही होगा वापस, यानी इसकी वजह से क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 3 × 1/3 / 9, 3 × 3 = 9 +2/9 और एक्स इज इक्वल टू 3 × 1/3 / 3 × 3 = 9 -2/9। एक्स इज इक्वल टू एलसीएम 9 है, तो फिर ये नंबर डायरेक्ट एज इट इज प्लस माइनस हो जो भी हो लिख लें, और यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू 9 3 - 2, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 + 3 से क्या 3 + 2 से क्या आ जाएगा 5 / 9 और यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू 3 - 2 से आ जाएगा 1/9। तो ये सोल्यूशन सेट हो गया, सोल्यूशन सेट वो होता है जो वैल्यू आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, यानी अगर आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगे, और ये सच वैल्यू को कहते हैं रूट, और उन सारे वैल्यू को मिला के उसे कहते हैं सोल्यूशन सेट। तो ये हैं 5/9 और 1/9। थैंक यू, मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लें, 0333-4291673। थैंक यू सो मच।